अब हम देखते हैं कि इस दीवार में अगर हमने डोर लगाना हो, दरवाजा लगाना हो, विंडो या खिड़की लगानी हो, गेट लगाना हो, तो हम किस तरह लगा सकते हैं। जब भी आपने ये काम करना हो तो आपको हमेशा 2D में जाना पड़ेगा, क्लिक करके और काम करना पड़ेगा। 2D समझे, आपके पास ड्राइंग की एक शीट है जिस पर आप लाइंस लगा के अपने घर का या बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, ये दीवार हमारे सामने है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ड्रैग करके भी कर देता हूँ, और अब इसमें मैं दरवाजा और खिड़की लगा के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले सिंपल चीज है, आपने डोर लगाना है। डोर आइकॉन को क्लिक करें, यहाँ लाइन पर आएंगे तो ये आपको डोर की शक्ल नजर आ रही होगी। इस पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और स्केप कर देता हूँ कि मैंने और कोई चीज नहीं, और दरवाजा नहीं लगाना, ये मैंने दरवाजा लगा दिया। ठीक है, अब मैंने अगर विंडो लगानी है तो विंडो को मैं क्लिक करूंगा और इस वॉल पर आऊंगा, विंडो का आइकॉन मूव करेगा, जहां मैंने विंडो लगानी है मैं क्लिक करूंगा और दो तीन जितनी लगानी होगी उतनी दफा क्लिक करूंगा, उतनी विंडोज यहां पर लग जाएंगी। मैंने एक ही लगानी है, मैं स्केप करके इसमें से निकल जाऊंगा। तीसरी चीज, हम इसमें गेट लगा के देखते हैं। इसके लिए मैं गेट को क्लिक करूंगा, यहां लाइन पर आऊंगा, जो दीवार है मेरी यहां पर आके जहां मैं प्लेस करना चाहूंगा गेट, यहां प्लेस कर दूंगा। अब मैं देखना चाहता हूं ये लग किस तरह रहे हैं, तो उसके लिए अब मैं 3D व्यू में चला जाता हूं। जिस क्या क्या कर सकते हैं ये देखें, अगर मैं डोर को क्लिक करूं तो यहां पर मेरे पास डोर से रिलेटेड हर चीज आएगी। आप देखते हैं, आप इसके अंदर जाके इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ इसकी 36 है, मैं कहता हूं चलें इसे 30 इंच कर देते हैं विड्थ। आप यहां पर देखते जाएं, ये साइज चेंज होता जाएगा, ये 30 इंच हो गया। 7 फीट 8 फुट 84 इंच या 7 फीट है, इसे मैं 72 इंच करना चाहता हूँ, 72 करूंगा और सर्कल को क्लिक करूंगा, ये साइज छोटा हो गया। इसकी दरवाजे की हाइट ऊपर नीचे करनी कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर लगे, तो यहां मैं 4 कहूंगा और इसे मैं क्लिक करूंगा, दीवार से ऊपर चला गया। इसी तरह जब मैं विंडो पर आता हूँ, विंडो को क्लिक करूंगा, ये विंडो आ गया। इसके बाद अब मैंने इसमें क्या क्या काम कर सकता हूँ, इसकी विड्थ, हाइट, अल्टीट्यूड, थिकनेस वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बेसिक चीजें हैं। विड्थ जो है इसकी 5 फीट है, मैं इसे 4 फीट करना चाहता हूँ, यहाँ 48 कर दूंगा, ये देखें इसकी साइज छोटा हो गया। हाइट में ये रहने चाहता हूँ, जमीन से ये 30 इंच ऊपर है, मैं चाहता हूँ 36 इंच ऊपर हो जाए, इसे 36 करूंगा और इसे क्लिक करूंगा, ये ऊपर चला गया। इसी तरह इसकी थिकनेस इस 4 इंच है, मैं इसे 9 इंच करना चाहूं तो मैं इसे 9 इंच कर दूंगा, ये 9 हो गया। अगर मैं गेट पर आ जाऊं तो देखें, गेट में आपको विड्थ दी 84 इंच, मैं इसे कम करता हूं, 72 कर देता हूं। इसकी हाइट 84 से इसे भी कम करके 72 कर देता हूं। आरटीटी 0, थिकनेस इसकी भी मैं 9 इंच कर दूंगा। इस तरीके से अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करके टेक्सचर के साथ देखूं, रिफ्रेश करूंगा, फिर 3D में आऊंगा, तो ये अब आपको देखें नजर आ रहा है जो चीजें आपने चेंज की थी वो कहां पर आ गई, और 2D में इसे लाइन ड्राइंग जिसे कहते हैं देखेंगे तो आपको नजर ये इस तरह आएगा। डोर में एक चीज ये है कि डोर इस तरफ ओपन हो रहा है, अगर आपने दूसरी तरफ ओपन करना है तो इसे फ्लिप इसे कर दें, क्लिक करें, ये देखें दूसरी तरफ का डोर ओपन होने लग जाएगा।